अपुत्रस्य गृहं शून्यम्, अपुत्रस्य गृहं शून्यम्, अपुत्रस्य गतिं न च, अपुत्रस्य गृहं शून्यम्। महाराज शास्त्रों में लिखा कि वो घर सोना सा लिखता है लगता है और उसके पितरों का उद्धार नहीं होता है। स्वर्गो नैव च नैव च, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। महाराज लिखा है कि उसके पितरों का भी उद्धार नहीं होता है, इसलिए आप कृपा करो मुझे आशीर्वाद। महात्मा ने कहा चलो यदि मैं आपकी बात भाव समझो दया समझो तो आप ऐसा करो, पहले अपना हाथ दिखाओ और जो पुत्र की रेखा होती है तुम्हारे भाग्य में बेटे का सुख है कि नहीं है, बेटी का सुख है कि नहीं है, पहले हाथ दिखाओ तब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। और ब्राह्मण देवता का हाथ देखने लगा, हाथ देखा और हाथ देखते ही महात्मा जी ने क्या कहा, सप्त जन्म वधितवा पुत्रो नैव च नैव च। हे ब्राह्मण देवता तेरे इस जन्म में पुत्र का सुख नहीं, तेरे सात जन्मों तक पुत्रों का बच्चों का संतान का सुख नहीं। ब्राह्मण देवता रोते बिलकते चरणों में गिर पड़े, अब मैं उठूंगा नहीं यही आप चरणों को, मैं प्राण छोड़ दूंगा आप कृपा। महात्मा को दया आई, महात्मा ने एक प्रसाद निकाला, कहा इसको तुम ले जाओ अपनी अर्धांगनी को देना, धुंधली को देना, वो इस प्रसाद को पाएगी तुम्हारे घर में एक बेटा हो जाएगा। ब्राह्मण देवता ने महात्मा को प्रणाम किया, घर गया प्रसाद लेकर और अपनी धर्म पत्नी को दिया। और उसको तो सांप नहीं दिखता है, सांप न दिखना मतलब विश्वास नहीं करती, अज्ञान में जीती है। ब्राह्मण देवता ने कहा प्रसाद खाओ और इससे तुम्हारा संतान बच्चा हो जाए। उसने कहा प्रसाद से बच्चा, बहुत उदास होने लगी। और सुना है उसने कि चलो मैं खा भी लूं इस प्रसाद को, लेकिन सुना है जिन सहेलियों की संतान हुई है कि जब बेटा गर्भ में आता है मां के उसको बहुत कष्ट होता है, उसका खाना कम हो जाता है, उसका शरीर बढ़ने लगता है, वो इधर उधर जा नहीं पाता। अरे हो ना हो कभी गांव में आग लग जाए सब भाग जाएंगे, मेरा पेट शरीर बड़ा रहेगा, मैं भाग भी नहीं पाऊंगा, चोर आ गए तो चोरी कर लेंगे, मैं उनको भी नहीं पकड़ पाऊंगा। सुना है कि यदि घर में संतान होती है तो उसकी ननद आदि लोग घर पर आते हैं सेवा के लिए, और मैं तो बैठी रहूंगी संत बच्चे के साथ, वो सब कुछ मान ले जाए, मैं इस चक्कर में पड़ती नहीं। बहुत उदास होकर बैठी है, ब्राह्मण तथा भगवान के भजन में लगे हैं। ऐसा समय व्यतीत हुआ, अचानक उसकी बहन आई और बहन भी दीदी की जैसे। क्या हो गया आप उदास क्यों है दीदी? अरे बस मत पूछो, ये कहीं से प्रसाद लाए हैं और कहा कि इसको तुम पाओ संतान हो जाए, मत पड़ सक। अरे तो मैं बोलूं क्या इनको, क्या बताऊं? अरे बहन ऐसा करना, हमारी संतान होने वाली है और हम गरीब हैं निर्धन हैं, तुम पैसे वाले मुझे पैसा देना मैं तुम्हें बचा दूं। तो बहन वो तो सब ठीक है लेकिन वो शरीर कैसे बढ़ाऊं? का प्रत्येक महीने तुमने कपड़े बांधने पेट में, दो तीन महीने बाद दीदी कभी टिक्की मंगाना, कभी मीठा ऐसे खाने की इच्छा प्रकट करना, जैसे अनेक अलग इच्छा होती। और धुंधली धीरे धीरे बिल्कुल सेवा हो रही, बिल्कुल पतिदेव जी आज तो कुछ खट्टा लाओ कुछ मीठा लाओ, अलग अलग खाने की इच्छा प्रकट कर। समय व्यतीत हुआ, कहा बहन ये प्रसाद का क्या करें? कहा कि इसका हम परीक्षण करते हैं, इसमें कितनी शक्ति है, इस फल को जो गौ माता है उसको खिला देते हैं, वो गाय को दे दिया। 9 महीने निकले, उसकी बहन की बच्चा हुआ, उसने बहन को दे दिया, बहन बहुत खुश हुई। लेकिन आत्मदेव जी आए घर पर, बहुत खुश हुए, लेकिन आज क्या है बच्चा घर पर आ गया है लेकिन धुंधली को दूध नहीं हो रहा। भगवान की बड़ी कृपा है, जिस माँ का बच्चा होता है उसको ही दूध होता है। धुंधली ने कहा स्वामी जी मुझे दूध नहीं हो रहा है, ये बच्चा तो मर जाएगा, ऐसा करो मेरी बहन को लाओ, उसका बच्चा हुआ है और वो होते ही मर गया है, वो इसको दूध पिलाएगी और हम उसको पैसे दे देंगे। ठीक है धुंधली तुम तैयार हैं तो मैं बुला लेता हूँ। और बहन को बुलाया, वो सेवा करती दूध पिलाती और कुछ पैसे उसको।
धीरे धीरे अब ये बच्चा बड़ा होने लगा। गाय माता ने वो बछड़ा प्रसाद पाया, फल खाया और कुछ महीनों बाद गाय ने भी बछड़े को जन्म दिया। आज भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं, हे प्रभु तुमने कृपा की है और तो अब सब संतान हो रही है। गाय ने बछड़ी को दे जन्म दे दिया, धुंधली का विस्तार। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। जो गाय का बछड़ा है उसके कान है गाय के जैसे, सारा शरीर उसका मनुष्य जैसा है और कान गाय के जैसे। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए। धुंधली इनका संस्कार करो, इनके नाम रखो। धुंधली ने कहा इसका नाम तो मैं रखूंगा। अरे कुछ हम रखते हैं शास्त्रों के आधार पर, लेकिन जैसे आजकल है, आजकल जो नई बहू है ना, नई बेटी, पंडित जी आप रख दो जन्म पत्री का नाम, हम तो अपना नाम अलग रखेंगे जी, नहीं रखते आजकल। और फिर अलग नाम नेट पर सर्च करते हैं और फिर कोई आलू कोई टमाटर ऐसे नाम होते हैं जिनके कोई अर्थ नहीं। लेकिन ये देखो कितने हमारे बुजुर्ग कितने ज्ञानी। मैं तो नाम पढ़ रहा था आपके सास ससुर का, हरि सिंह भगवान के नाम, सासु मैया का नाम सुनंदा, मोनिका जी अजय है, मीनू मयंक आशीष कैसे कैसे नाम। लेकिन अपने आप को हम सब भाव समझदार ज्ञानी मानते हैं, अब ऐसा नाम रखते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। यहां इस धुंधली ने कहा इसका नाम मैं रखूंगी और अपने नाम पर रखूंगी, तुम इसको बुलाओगे तो मेरी भी याद तुम्हें आ जाए। बोलते हैं ना गांव की तरफ, आप तो करते हैं इधर की नहीं करते, हमारे इधर क्या करते हैं अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। और ये एक परंपरा भी है, बच्चों के नाम से उसकी अपनी धर्म पत्नी को बुलाते हैं, करते हैं ऐसा नहीं बोलते हैं। जैसे कि भाई ए सिद्धि की मम्मी ऐसा बोलते हैं, हाँ तो वही तो ये जो भी है, या उसके पापा जो भी, उससे माँ बाप के भीतर वो जो प्रेम है जो वो प्रकट हो जाता है। यहां इसने कहा मेरा जो नाम है इस पर मैं बेटे का नाम रखूंगी। धुंधली ने अपना बेटे का नाम क्या रखा, धुंधुका। गाय का जो बछड़ा है उसका नाम गोकर्ण, जो आत्मदेव जी स्वयं रखते हैं, इसके कान गाय के समान हैं, इसका नाम मैं रखता हूं क्या, गोकर्ण। इसके कान गाय के समान हैं, इस बच्चे का नाम क्या रख दिया, गोकर्ण। गोकर्ण का अर्थ होता है ज्ञान। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए। वो कुबुद्धि का संतान है, वो गलत मार्ग पर जाता है, गलत काम करने लगता है, और जो गाय का बछड़ा है ये सदमार्ग पर चलता है। ये जो धुंधली का बेटा ये क्या करता है, गांव में जाता है चोरी करता है, छोटे छोटे बच्चों को मारता है, कभी उठा करके फेंकता है। शिकायत आती है आत्मदेव जी ऐसी संतान न होती तो बड़ी याद। आत्मदेव जी बहुत चिंतित होने लगे, गोकर्ण क्या करूं बेटा, ये दूसरी जो संतान ये तो दुष्ट है, क्या करूं। पिताश्री यदि तुम कल्याण चाहते हैं तुम भगवान का भजन करो, उससे ही तुम्हारा पिता कल्याण हो सकता है, इनसे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। क्योंकि ये जो संसार है ये क्या है, देहिस्तमान सुरुधरे भीमतिम त्यजत्कुम जाया सुता दिशु सदा ममतां भीमुंचा पश्या निसं जगदिदं क्षण भंग निष्ठम भैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठा। पिताजी जो ये शरीर है हड्डियों का मांस का खून से बना है, इस पर बुद्धि न लगाओ। जाया जो पत्नी है जो बेटा है पिताश्री, ये अपने नहीं होते, और होते हैं यदि तो हमारे साथ रहते। यदि तुम्हारा पति अपना है तो तुम्हारे साथ रहते, पत्नी अपनी होती तो साथ रहते। इसका मतलब ये हमारे अपने नहीं, ध्यान से समझ। यहां एक अच्छा प्रसंग आया है कि हमारा अपना कौन है, ध्यान से समझना, लिख लेना आप हमारा कौन है। क्या लिखा है, धनानि भूमो बसवस्स गोष्ठी पत्नी गृहे द्वारि सुता शमशान। पत्नी गृहे द्वारि सुता शमशान धनानि भूमो बसवस्स गोष्ठी
पत्नी गृहे द्वार सुता संसार। यहां बताया कि जो संसार से जब जीव जाता है तो उसकी जो पैसे इत्यादि संपत्ति है उसके साथ नहीं जाती, वो घर पर ही रहती है। जमीन आदि उसके घर पर, गाय बछड़े उसके घर पर ही रहते हैं, वो साथ में नहीं जाते, वो अपने नहीं है। दूसरी बात लिखी है पत्नी गृहे द्वार, जिसे पत्नी या पति को हम अपना मानते हैं वो हमारा साथ कहां तक देती। पत्नी सनातन के आधार पर, हिंदू के आधार, सनातन राष्ट्र के आधार पर वो धर्म पत्नी केवल घर के द्वार तक जाती है, उससे आगे वो भी नहीं जाती। जिस बच्चों को आपने जीवन भर कमा करके दिया है वो बालक एक दिन भी पिता को घर पर नहीं रखता, अगर रखता है उस पर दोष लग जाता है, वो बेटा भी उसको तुरंत, जो भाई बांधव हैं वो भी तुरंत उस शरीर को उठाते हैं और शमशान में ले जाते हैं। देहसिताया परलो धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जिन बच्चों को आपने समर्पित सारा समर्पण दिया है वो बच्चे एक दिन में मां बाप को घर पर नहीं रखते। भाई बंध जो अपना मानते हैं वो तुरंत उस शरीर को उठाते हैं, शमशान तक ले जाते हैं, और जिस शरीर को हम अपना मानते हैं ये शरीर भी लकड़ी की चिता तक साथ देता है, उससे आगे नहीं। लेकिन रास्ता तो बहुत लंबा है, जो संसार में मिला हमें वो केवल शमशान तक ही साथ देता है, लेकिन जाना बहुत दूर है, वहां कौन जाएगा। धर्मानु गो गच्छति जी, केवल एक चीज हमारे साथ जाती जो हमारा अपना है वो कौन है, धर्म है। जो आपने अच्छा काम किया है वो तुम्हारा अपना है, वो साथ जाएगा, और कोई भी साथ नहीं जाता, इसलिए हमारे कोई भी नहीं। राम जी को वनवास हुआ, सबने कहा हमारे हैं, लेकिन जब वनवास हुआ कौन गया, गई कोई साथ, आपने सुनी राम, कोई भी संसार का साथ नहीं, सब स्वार्थी हैं। कोरोना चला है, पत्नी को कोरोना हुआ, पति से कहा दूर रहो तो दूर रही, बच्चों को इसको दूर रखो घर नहीं आने देना तो उसको दूर रखा, सब स्वार्थ के हैं। आत्मदेव जी को गाय का जो बछड़ा गौकर्ण है समझाते हैं, पिताश्री ये संसार से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तुम भगवान का भजन करो उससे ही तुम्हारा उद्धार होगा, उससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। आज वो बेटा बन की ओर, वो आत्मदेव जी बन की ओर जाते हैं, पिताश्री तुम राम नाम का सहारा लो, श्याम नाम का सहारा लो पिताश्री, उससे ही तुम्हारा उद्धार होगा। आप पिताश्री बन की ओर जाते हैं और भगवान का भजन गाते हैं, उससे उनका उद्धार होगा। आइए हम लोग भी आत्मदेव जी के साथ में भगवान का चिंतन करते हैं और उसके बाद कथा को विराम देते हैं। 2 बज गए। नारायण भगवान की जय। तालियां सब लोग। बोलो राम राम राम, बोलो
राम बोलो राम बोलो राम राम राम। करता तू मेरा मेरी ये तो तेरा मकान नहीं, क्यों करता तू मेरा मेरी यही तो तेरा मकान नहीं, क्यों करता तू मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं, क्यों करता तू मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जन में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान, जग में फंसा हुआ और वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला दिन का है अंत में होगी चला चली, झूठे लोरे कोई राम का प्याला चोरी मचाऊं गली गली, लोरे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। कब तक पगले अपनी कहलाएगा, दुनिया को तो कब तक पगले अब तेरी आवेगा, दुनिया को तो कब तक पगले अपनी तू कहलाएगा, दुनिया को तो कब तक पगले अपनी आवेगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा, ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा, ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा, ओ ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। दो दिन का यह चमन खिला है, दो दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली, लोरे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, बोले लोरे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के भाव से हाथ उड़ाकर बड़े प्रेम से, ले लोरे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लोरे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लोरे कोई कृष्ण का प्याला शोर मचाऊं। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्याला सूर्य।
जाऊं गली गली। और कल भी ठीक आप समय से आएंगे 11 से 2 बजे तक, ठीक है, 5 मिनट मैंने ज़्यादा ले लिया आपके। और जो माताएं गांव की आपके रिश्तेदार भाई बंधु परिवार वाले परिक्रमा करना चाहेंगे, या तो सुबह 7 से 7:30 और या से 2 से 2 क्या 2 सवा 2 तक आरती होगी।